हरियाणा के सिया नायब सैनी आज दिल्ली आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बडोली भी साथ में आ रहे हैं दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। हरियाणा में मंत्रिमंडल का स्वरूप और शपथ ग्रहण पर आज लगेगी मोहर, तारीख तय हो जाएगी शपथ ग्रहण को लेकर। तो ये बड़ी खबर, जिस तरह से एक बार फिर से बीजेपी ने अब हैट्रिक लगाने का काम किया है, जीत हासिल की है हरियाणा में 48 सीटों के साथ, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। और शपथ ग्रहण क्या होगा, क्या होगी आगे की रूपरेखा, इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी आ रहे हैं दिल्ली। और ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, नायब सिंह सैनी जो कि आज दिल्ली आ रहे हैं और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली आ रहे हैं। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। आमोद, क्या जानकारी है दिल्ली कार्यक्रम को लेकर आज? देखिए करुणा, हरियाणा के सीएम खुद आ रहे हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं। दिल्ली में आज इस बात की रूपरेखा बनेगी कि शपथ ग्रहण कब किया जाए, क्योंकि 12 तारीख को दसवीं के बाद करना है या उसके पहले, अभी तो कब किया जाना है इस पर चर्चा होगी। अच्छा, कि मंत्रिमंडल के स्वरूप के ऊपर भी एक चर्चा हो सकती है, मंत्रिमंडल में रखा जाना है, प्राइमरी बातचीत उसके ऊपर भी आज किया जा सकता है। इसके साथ ही क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी के परिदृश्य से देखा जाए तो बीजेपी इसको किस ढंग से राज्य में आयोजित करेगी, इस फंक्शन को किस तरह से लोगों को शामिल किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा या सामान्य रखा जाएगा जो शपथ ग्रहण होगा, इन तमाम विषयों पे चर्चा होगी। और ये चूंकि ऐतिहासिक जीत है, लगातार तीसरी बार सरकार गठन पहली बार हरियाणा में हुआ है, तो इन तमाम विषयों को लेकर उनको बधाई भी दिया जाएगा नेताओं से जब मुलाकात करेंगे। तो ये आज के मीटिंग का, उनके आने का एक लक्ष्य रखा हुआ है सीएम ने दिल्ली में आने के लिए। शुक्रिया आपका आमोद राय इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उद्धव गुट का हमला। सामना में शिवसेना ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, अति आत्मविश्वास की वजह से हार हुई है, ये सामना में लिखा गया है। स्थानीय नेताओं की नाफरमानी भी हार की वजह बनी है। कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी को फायदा हो गया, जीत को हार में बदलना कांग्रेस से सीखो। तो यह आप देखिए उद्धव गुट ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है, जो हरियाणा में कांग्रेस का हाल हुआ है इसके बाद तंज कसा गया है, और यह कहा कि जीत को कैसे हार में बदला जाता है ये कांग्रेस से सीखो। आपको बता दें कि 37 सीटें ही जीत पाई है कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस को यह विश्वास था कि इस बार उसे जीत हासिल होगी। तो सामना में क्या लिखा गया है और किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला गया है, यह आप जरा देखिए सामना में क्या लिखा गया, जीत को हार में आखिर कैसे बदलें कांग्रेस से यह सीखा जाए, यह सामने बकायदा लिखा गया। और इसी के साथ ही यह तंज भी कसा गया, यह सवाल पूछा गया है सामना में, क्या हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की नैया डुबो दी, यह सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया, हुड्डा खेमे से बड़ा सवाल पूछा गया। इसके अलावा कुमारी सैलजा को लेकर कहा गया, कुमारी सैलजा को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया, यह भी सामना में हार की वजह के तौर पर लिखा गया है उद्धव गुट की तरफ से। हरियाणा में कांग्रेस से कोई भी मजबूती से नहीं लड़ा है, यानी कि अतीत आत्मविश्वास की जो बात है वो लगातार कही गई है और इसको लेकर निशाना साधा गया अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर पर। कांग्रेस का संगठन अव्यवस्थित एवं कमजोर था, यह कहा गया संगठन को लेकर भी उद्धव गुट की तरफ से सामने में सवाल उठाए गए। इसके अलावा हुड्डा दूसरे समुदाय के लोगों के साथ नहीं ला सके, यानी कि सभी समुदायों को वो एक साथ नहीं ला सके। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जो सवाल उठाए गए इसके बाद बात साफ है कि जो इंडिया अलायंस के पार्टनर है, बहुत अहम पार्टनर उद्धव गुट जो यूबीटी है, वो बकायदा अब काफी नाराज है जो कुछ हरियाणा में हुआ है। देखिए सामना में यूबीटी की तरफ से जो सवाल कांग्रेस पर उठाए गए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं उठाए गए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होना है और लगातार एमबीए गठबंधन के तौर पर महाराष्ट्र में बैठकों का दौर चल रहा है सीटों को लेकर, खास तौर पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में लगातार खींचतान चल रही है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना इस तरह के बयानों के जरिए कांग्रेस को बैकफुट पर डालना चाहती है, और साथ साथ में जो हार की वजह है उसको भी गिनाया कि किस तरह से कुमारी सैलजा का को अपमानित किया गया, किस तरह से संगठन में तालमेल की कमी थी और कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी और यही मुख्य वजह है हार की। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट चूंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। तो ये बताने की कोशिश है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ना रहे, उनके कार्यकर्ता जो है वो आपस में तालमेल नहीं रखते हैं, इस वजह से उनकी हार हुई है। और कुमारी शैलजा चूंकि दलित समुदाय से आती है, उनको अपमानित किया गया, तो कहीं ना कहीं एक समाज को भी, महाराष्ट्र में भी ओबीसी और दलित समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया और एक ही तीर से दूसरा निशाना भी साधा गया है महाराष्ट्र को लेकर। जी बिल्कुल, तो महाराष्ट्र को लेकर भी एक बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजीव। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सदस्य कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं, तो कांग्रेस अब नतीजे पर मंथन की बात कहती हुई नजर आ रही है। अरे परिणाम आया तो आप देखिए, तो एक तरफा है और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। आश्चर्यजनक का रिजल्ट आया है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जन मत को मतदारो मत को आत्मविश्वास खंडित अब्सोल्यूट मेजारिटी 50 सीट बरतर है मुझे नमगला नमके इसको। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। हरियाणा में हमें अपेक्षा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह से हम अभी सुनने में आए कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम बन गया। जीते उनको बहुत मुबारकबादी देता हूँ, हार जीत लगी रहती है। अब मैंने तो यही कहना है कि जो हरियाणा में हारे वो बाज मरतबा बोलते हैं ये MIM खड़ी थी इसकी वजह से हार गए बीटी में, सीटी में, डीटी में, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा में तो अब MIM चुनाव नहीं लड़ी, तो अभी हार कर टिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़ देना। अब सेल्फ रिस्पेक्शन करो, खुद के अंदर झाको क्या कमी है वो देखिए। और वहीं एक और बड़ी खबर, नतीजों के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस सत्ता को अपना अधिकार मानती है, कांग्रेस समाज में जाति का जहर फैलाती है, कांग्रेस के शाही परिवार ने कहा कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। और आपको सुनाते हैं कि कल बीजेपी मुख्यालय पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है, गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है, गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है, हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए, ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है, सरकार में ना रहे पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है।
इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फाइव स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। और चलिए अब आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं। चार तस्वीरों के जरिए आप देखें कैसे हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत पर देश भर से जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राज्यों की बीजेपी दफ्तरों पर आतिशबाजी की गई, लेकिन जश्न की जो खास बात रही वो रही जलेबी, जिसे बीजेपी ने खूब भुनाया। जीत की जलेबी का खुमार सियासत के सिर चढ़कर बोला। जश्न का आलम यह रहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलेबी बनाई भी और बांटी भी। ये चार तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से हरियाणा में 48 सीटों के साथ जो जीत हासिल की है बीजेपी ने, हैट्रिक लगाई है। इसके बाद देश भर के जो बीजेपी ऑफिस है वहां पर जश्न का माहौल देखा गया। और जरा आप सुनिए किस तरह से आतिशबाजी की गई, जश्न मनाया गया। आप जरा सुनिए, वोट दिया दलित भाई नाराज है, दलित भाइयों ने वोट दिया। युवा नाराज है, बेरोजगार युवाओं ने वोट दिया। महिलाएं नाराज है, महिलाओं ने वोट दिया। बताइए कौन नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से? हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया और इसको महान नुक्ति बांट दी उनको। देखिए ऐसा है, बोलते थे किसान नाराज है, किसानों ने। और देखिए केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बधाई संदेश भेज रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी बधाई दी। गीता की धरती पे सत्य की जीत हुई है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को, माननीय एचएम साहब को, जिनके नेतृत्व में आज किसान, जवान, गरीब, युवा, महिला सब हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और कांग्रेस को धूल चटा दी। 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम की थी उस पर विश्वास किया और लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। हरियाणा के अंदर फिर से तीसरी बार लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई है। हरियाणा निश्चित रूप से तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। जो विकास का क्रम हरियाणा में शुरू हुआ है वो क्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के 10 साल से डबल इंजन की सरकार मोदी जी के कार्यकाल में जो हो रही है, इसीलिए लोगों ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और हरियाणा में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 10 साल के बाद भी मिली।
और अब बात करते हैं हरियाणा में सीएम पद को लेकर। जी हां, हरियाणा में सीएम पद को लेकर क्या कहा गया अनिल विज की तरफ से। मैंने सीएम कुर्सी कभी नहीं मांगी है, सीएम बनाएंगे तो इंकार भी नहीं करूंगा, हरियाणा को देश का नंबर एक राज्य बना दूंगा। हालांकि आपको बता दें कि मतदान से पहले भी जो एक बयान है वो सीएम पद को लेकर अनिल विज का आया था सामने, और अब जब नतीजे आ गए हैं तो बीजेपी की जीत के बाद ये कहा गया है कि अगर सीएम बनाएंगे तो इंकार भी नहीं करूंगा। ने हमें कहा था चुनाव के दिन कि अगली मुलाकात अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीएम आवास पर होगी, बिल्कुल अब इस पे कायम है आप? देखिए, मैंने दावा कभी नहीं किया, मैंने केवल ये कहा कि अगर मुझे बनाएंगे तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मैंने एक जो प्रचार हुआ था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, मैंने उसका जवाब दिया कि मुझे बनाएंगे तो मैं बनूंगा, और अगर मुझे बनाएंगे तो मैं हरियाणा को देश का नंबर वन प्रदेश बना दूंगा। तो आप अभी रेस में हैं, आप सीएम की? नहीं नहीं, आप रेस वाली भाषा ना करो इस्तेमाल, कोई रेस में नहीं है। मैंने कहा अगर हाईकमांड बनाती है। लेकिन सर हाईकमान को अपनी इच्छा तो आपको बतानी पड़ेगी ना कि हाँ नहीं, मैं कभी नहीं बताता, ना मैं बताऊंगा, मैं कभी नहीं बताता। मैं सीनियर मोस्ट हूँ, अब ये हाईकमांड के सामने है, अगर हाईकमांड बनाएगी कहेगी तो करूंगा, नहीं तो मुझे तो जहां खड़ा कर देंगे वहीं से चौके छक्के मारूंगा। लेकिन हाईकमान तो ये कह रहा है कि सीएम नायब सैनी के चेहरे को आगे रख के ही चुनाव लड़ा गया, वही सीएम फेस है। हाँ तो हाईकमान का ही फैसला है, उसको थोड़ा मैं कह सकता हूँ। तो आप उसका कोई विरोध तो नहीं करेंगे? मैं कभी विरोध नहीं करता किसी का। हरियाणा चुनाव पर मायावती का पोस्ट, जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया है, मायावती बीएसपी का वोट सहयोगी दलों को मिला है। मायावती का यह बयान है, हरियाणा का जाट समाज अपनी मानसिकता को बदले। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जिस तरह से अगर बीएसपी की बात करें, खाता भी नहीं खुला है इसको लेकर, मायावती बीएसपी सुप्रीमो उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया, पोस्ट क्या किया गया, जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया है, बीएसपी का वोट सहयोगी दलों को मिला है, हरियाणा का जाट समाज अपनी मानसिकता को बदले, ये कहा गया। इधर जम्मू कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोडा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई, महराज मलिक आम आदमी पार्टी से जीते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दी है वीडियो कॉल करके बधाई, जल्द कश्मीर पहुंचकर बधाई देने का वादा भी किया है। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक सीट के साथ अपना खाता खोला, और इस पर बधाई संदेश अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोल दिया है। पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने डोडा विधानसभा सीट पर जीत को दर्ज किया है, उन्होंने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4538 वोटों से हरा दिया। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी में गजब का उत्साह है, दिल्ली से लेकर डोडा तक जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ डोडा तो दूसरी तरफ दिल्ली में जश्न की तस्वीरें। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि पांचवा राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पे अब हमारा एमएलए हो गया। जी 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 जी, बस सर आपकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली थी, आपने कोई कदम उठाया, दिल्ली के अंदर हमें भी उम्मीदें थी, बस बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे हम भी। आपका काम भी बहुत अच्छा है, आप पिछली बार जब आए थे मिले थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सर बाकी ठीक है, खैरियत से? आप भी थोड़ा कहीं बाहर ही रहे तो हमें भी थोड़ा सा टेंशन तो रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हम भी यहाँ पे बैठ के पूरी ताकत से लड़े हैं इन लोगों के खिलाफ। चलो अब आप भी आगे, मैं अब उम्मीद करूंगा, मैंने लोगों से वादा किया था कि 10 तारीख को हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं भी चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में चलो अब तो बनता है आपका विजिट। मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। और वहीं कल के नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और जी किशन रेड्डी का जो बयान है वो सामने आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिली है अच्छी सीटें, जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुक्त हो गया है, हरियाणा को भी हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया। ये जो बयान है वो दिया गया जी किशन रेड्डी की तरफ से। जम्मू में कांग्रेस पूरा हम जीरो कर दिए, जम्मू कश्मीर के जनता कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया, कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर हो गए। राहुल गांधी जी जो लगातार तीसरी बार सरकार आने के बाद मोदी जी के खिलाफ जो भाषण दिया है, मोदी जी के ऊपर जनता का कॉन्फिडेंस चले गया, मोदी जी खुद कॉन्फिडेंस खो गया, ऐसा जो भाषण दिया है आज फिर मालूम पड़ा है जनता के साथ मोदी जी कैसा रहते हैं, कैसे देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, फिर एक बार हम प्रूव किया है।
तो आपको बता दें कि 29 सीट जीतने के साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे उमर अब्दुल्ला, यह बड़ी खबर आपको बता दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का ऐलान किया। यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देख रहा है, जो ड्रग मैनेस है, जो इस रास्ते खा रहा है, उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को नाकाम किया गया। एक बार फिर से यह साजिश सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के स्लैब्स मिले हैं, सीमेंट के स्लैब से टकराई है मालगाड़ी। रायबरेली के लक्ष्मणपुर स्टेशन के पास ये स्लैब मिले हैं। तो आप देखिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम और अलर्ट के बाद भी ये जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इस बार एक बार फिर से क्या हुआ है, आप देखिए रायबरेली में ट्रेन डिरेल करने की जो साजिश है उसको अंजाम दिया गया था लेकिन ये नाकाम हुई है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब्स, ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुमार, बड़ी चिंता की बात है, तमाम अलर्ट और सुरक्षा के इंतजामों के बाद भी ये सब कुछ थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो भी ये सारी चीजें रखी जा रही हैं वह कई केसों में ऐसा देखा गया है, जो खुलासा हुआ है उसमें पाया गया है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है, ना कि अनजाने में किया गया। ये सबसे डरावने वाला पहलू है इस पूरे मामले का, और यही वजह है कि रेलवे इसको लेकर ज्यादा ही सशंकित है और इस तरह की किसी भी घटना पे बहुत ही सीरियस एक्शन ले रही है। इस वाले घटना में भी जिस तरीके से रायबरेली में देखा जा रहा है, इसके पहले भी इस जोन में इस इलाके में इस तरह की घटना हुई है। तो ट्रैक मित्र और तमाम तरह के पहरियों का इस्तेमाल कर रही है रेलवे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बार जो पूरी घटना सामने आई वो आई है रायबरेली में, जहां पर ट्रैक पर ये देखिए सीमेंट का स्लैब और मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश थी। इधर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी ट्रेन पलटाने की साजिश को नाकाम किया गया। रेल ट्रैक पर लोहे की रॉड मिली है, समय रहते लोको पायलट ने मालगाड़ी को रोक दिया। इस मामले में एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। तो ये देखिए ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया। 24 घंटे में ये दो मामले आए हैं सामने जो चिंता को बढ़ा रहे हैं। पहला मामला जो रायबरेली का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक पर सीमेंट की स्लैब्स थी, हालांकि ये जो साजिश है वो दोनों जगह नाकाम हुई है। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अभी तक की जांच में कुछ पता चल पा रहा है किसकी साजिश हो सकती है, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए करुणा, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार लोहे की रॉड वहां पर कौन लेकर आया, रेलवे ट्रैक पर किसने रखी, क्या एक बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि देश भर के कई हिस्सों से हमने इस तरह की चीजें देखी है, जब पटरियों पर इस तरह की सामग्री रखी गई हो। तो इस पूरे मामले को आरपीएफ ने भी बड़ी गंभीरता से लिया है, अन्य भी जो एजेंसीज हैं वो इससे इसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि हाल ही में बुरहानपुर में हमने देखा था जब डेटोनेटर रखे हुए थे पटरियों पर, उसकी जांच भी खुद मध्य प्रदेश एटीएस कर रही थी, और अब इस पूरे मामले की जांच भी बड़ी एजेंसियां जरूर इस पर नजर रखे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर ट्रैक पर स्लैब को रखा गया। और देखिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर पुणे गैंगरेप मामले को लेकर है। पुणे गैंगरेप केस में पुलिस के हाथ खाली हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया है। पुलिस ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया है। कोंधवा इलाके में 4 अक्टूबर को हुआ था गैंगरेप, आरोपियों के स्केच और सीसीटीवी फुटेज पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि युवती के साथ गैंगरेप का पूरा यह मामला, और अब इनाम का ऐलान भी किया गया, स्केच को पहले ही जारी किया गया था। 5 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली है, 4 तारीख को यह वारदात सामने आई थी। और 3 तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए इस पूरे घटनाक्रम को। पुलिस ने आम लोगों से आरोपियों की पहचान की अपील की है, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों के स्केच को जारी किया है, आरोपी जल्द पकड़े जाएं। वारदात के 5 दिन बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लगातार कोशिशें अभी पुलिस कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही है, इसलिए आरोपियों का सुराग देने वालों को अब 10 लाख इनाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो यह आपको हम बता रहे हैं। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, युवती के साथ 4 तारीख की पूरी वारदात, लेकिन बड़ी चिंता की बात यह और सवाल ही उठा है कि 5 दिन बाद भी आखिर क्यों पुलिस, जांच एजेंसियां कुछ क्यों नहीं कर पाई?
देखिए निश्चित तौर पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल करोड़ा तो खड़े होते ही है, क्योंकि 4 तारीख की घटना और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, जबकि पीड़िता ने जो बयान दिया था उस बयान के आधार पर पुलिस ने इस केस तक बनाए आरोपी के एक संदिग्ध 3 आरोपियों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जाहिर बात है उसके बाद पुलिस का जो एसओपी है जिस तरह से काम करते इन्वेस्टिगेशन करती है तमाम तरीके तमाम चीजें चल रही है, लेकिन आरोपियों के बारे में कोई पुख्ता सुराग कोई जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी। नतीजतन पुलिस ने कल देर रात जो है 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है कि अगर कोई भी इन संदिग्ध आरोपियों के बारे में सूचना देगा तो उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा और उनको 10 लाख रुपए नगद राशि पुणे पुलिस की तरफ से दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आरोपी है कौन, क्योंकि शुरुआत में बताया जा रहा था कि जिस तरह की घटना घटी है उससे ये लगता है कि इलाके में ही रहने वाले कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोंडवा जो है मांडटी बेस्ड इलाका है और बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है, और जो घटना घटी है वो घाटी जो बोपदेव नाम की घाटी है जहाँ पर अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन इवनिंग जब लगभग 7-8 बजे के बाद में काफी घना अंधेरा हो जाता है सुनसान हो जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर 2 से 3 घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी है छेड़खानी की मॉलेस्टेशन की, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और अब पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस के अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल, 21 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी लेकिन 5 दिन के बाद भी अभी भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है जहां पर बोरीवली में गरबा पास का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। गरबा के नकली पासेस बनाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। फेक पास बनाने वाले 6 लोग गिरफ्तार किए गए। ये देखिए जिनको गिरफ्तार किया गया है, कांदीवली के चामुंडा स्टेशनरी शॉप में ये फर्जी पास बना रहा था। तो ये महाराष्ट्र का पूरा मामला है जहां पर गरबा के लिए फर्जी पास बनाने का ये पूरा मामला है, फेक पासेस बनाने का मामला। बोरीवली में ये सब कुछ हो रहा था, गरबा पास में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, गरबा के नकली पास बनाने वाले रैकेट का खुलासा, 6 लोग गिरफ्तार किए गए। और अब आप जरा इन 4 तस्वीरों को देखें, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कैसे गरबा के फर्जी पास का ये पूरा जो गैंग है वो चल रहा था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बड़ी मात्रा में पुलिस ने फर्जी पास जब्त किए हैं। QR के जरिए कंप्यूटर की मदद से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और इस फर्जीवाड़े को कांदीवली के चामुंडा स्टेशनरी शॉप में अंजाम दिया जा रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि यह धंधा कॉलेज के स्टूडेंट्स ही कर रहे थे। इस गैंग में शामिल 6 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया। तो गरबा डांस के लिए जो फर्जी पास बनाने का यह गोरख धंधा चल रहा था फर्जीवाड़ा, इसके बारे में पूरी जानकारी क्या, कांदीवली के स्टेशनरी शॉप में यह पास बनाया जा रहा था जो नकली पासेस से उनको बनाया जा रहा था। डांडिया क्वीन भूमि त्रिवेदी के कार्यक्रम का यह फर्जी पास है जिसे ये लोग तैयार कर रहे थे, स्टेशनरी शॉप में इसको बनाया जा रहा था। असली पास के QR की हुबहू नकल बकायदा इन्होंने उतार ली थी, यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या असली है क्या नकली। कंप्यूटर के जरिए रंग रास के फेक पासेस बनाए गए थे, हालांकि पुलिस ने इनको अब धर दबोचा है। 500 से 600 रुपए में ये फर्जी पासेस बेचे गए थे फर्जी पास के सहारे। कार्यक्रम में एंट्री नहीं हुई और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आयोजकों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद जो स्टेशनरी शॉप है जहां से सब कुछ चल रहा था 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने एक नामी कॉलेज के 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में, जिनकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे ये सब कुछ कर रहे थे और कितने लोगों को इन्होंने इस तरह से फर्जी पासेस बांटे थे, ये सब कुछ अब पता लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर है मुंबई से ही है जहां पर मीठी नदी के नाले में गिरा है सब इंस्पेक्टर। 20 फीट नीचे नाले में गिरने से सब इंस्पेक्टर कोमा में चला गया, हालत काफी गंभीर है। ट्रेन का हॉर्न सुनकर हड़बड़ाकर सब इंस्पेक्टर नीचे गिर गया। शव के पोस्टमार्टम के लिए PSI गए हुए थे और तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और उसके बाद 20 फीट नीचे नाले में जो सब इंस्पेक्टर है वो गिर गया और इस हादसे में जो सब इंस्पेक्टर है उन्हें काफी गहरे चोटें आई हैं, कोमा में सब इंस्पेक्टर चले गए जो जानकारी सामने आ रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर के साथ यह दर्दनाक हादसा कैसे हो गया, दरअसल हुआ क्या, यह आप जानिए। कोमा में कैसे इंस्पेक्टर पहुंच गया, शव के पोस्टमार्टम के लिए इंस्पेक्टर गया हुआ था PSI मुकेश शाहराज जिनका नाम है। रेलवे लाइन के नीचे 20 फीट गहरा नाला था, अचानक से ट्रेन का हॉर्न बजता है, हॉर्न बजने से घबराकर नाले में सब इंस्पेक्टर गिर गया।
पीएसआई मुकेश शखरात हिंदुजा अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं। गंभीर हालत को देखते हुए हिंदुजा से बॉम्बे रेफर किया गया है। बोरीवली एमएचबी पुलिस स्टेशन में खरात की पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद एक शव के पोस्टमार्टम के लिए पंचनामे के लिए गए हुए थे और इसी दौरान ये जो हादसा है वो हो गया सब इंस्पेक्टर के साथ। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आरजूकर केस, डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज देश भर में डॉक्टर्स की भूख हड़ताल होगी। आरजूकर अस्पताल के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले का लगातार विरोध जारी है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरजूकर अस्पताल जहां पर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात सामने आई और उसके बाद आज देश भर में डॉक्टर्स की तरफ से भूख हड़ताल भी है। इसके विरोध में आरजूकर अस्पताल के अभी तक 50 डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया है। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले का विरोध लगातार जारी है। यह तस्वीर 8 अक्टूबर की हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कल की आप तस्वीरें देखें और आज डॉक्टर्स की तरफ से देश भर में भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 70वें नेशनल अवार्ड्स में उन्हें यह सम्मान दिया गया। ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मान दिया है। पिछले दिनों पुरस्कार की घोषणा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती के योगदान की तारीफ की थी। मिथुन चक्रवर्ती लगभग 50 साल से सिनेमा जगत में एक्टिव हैं। उन्हें साल 1977 में अपनी पहली ही फिल्म मृग्या के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। मिथुन अभी तक लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इसमें हिंदी से लेकर बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने यादों को भी साझा किया कि वो कैसे बन गए सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा, तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता। तो मैं सोचने लगा करूं क्या, तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी। और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी दस की बंगाली बाबू। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को उनके दशकों लंबे करियर का सम्मान करते हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। वहीं सम्मान लेने के दौरान अभिनेत्री मानसी पारेख सम्मानित होते वक्त रो पड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बताया। उन्हें नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में मोगी की भूमिका के लिए मानसी पारेख ने इस अवार्ड को जीता।